गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ चुके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर शायद चैप्टर नंबर 20 है, मतलब लास्ट से थर्ड वाला चैप्टर है ये, लोकोमोशन एंड मूवमेंट. इसमें आपका स्केलेटल सिस्टम और मसल्स, मतलब बोन्स और मसल्स दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है. आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे ना तो उसमें मसल्स के बारे में पहले दे रखा है. हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ये पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें. ठीक है, बोन्स के बारे में ये स्केलेटल सिस्टम बाद में दे रखा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, एनसीईआरटी की बुक में. हम लोग पहले स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, मतलब बोन्स वाला सेक्शन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मसल्स पर आएंगे. ठीक है, इसलिए बता रही हूँ ये भी. जैसे आज पढ़ो, देखोगे ये पढ़ोगे ये चैप्टर, घर पर एनसीईआरटी जाके खोलोगे, पन्ने पलटोगे नहीं पलटोगे पता नहीं, शुरुआत में देखते दिमाग खराब कर लोगे, क्या एनसीईआरटी में तो नहीं, मैम क्या बकवास पढ़ा रही है. इसलिए पहले बता रही हूँ, शुरुआत से नहीं पीछे से देखना, वहां पर है ये. ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग स्केलेटल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे. अब सुनते जाना पहले, फिर हम लोग देखेंगे स्केलेटल सिस्टम की. अब स्केलेटल सिस्टम में क्या, आपको पता है स्केलेटल सिस्टम में पूरी बोन्स आएंगी अपनी. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं तो सबको पता होगा, 206 बोन्स होती है. बस इसी का ही कहां पर कितनी है, क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम के आपके दो मेन फॉर्म्स हैं. ठीक है, दो मेन फॉर्म्स होते हैं इसके, दैट इज द एक्सोस्केलेटल एंड एंडोस्केलेटन. दो मेन फॉर्म्स हैं, एक है एक्सोस्केलेटल, एक है एंडोस्केलेटल. एक्सोस्केलेटल जो है आपका, टू मेन फॉर्म्स हैं, देयर आर एक तो है आपका एक्सोस्केलेटल, ठीक है, नाम से पता लग रहा है, एक्सो यानी कि बाहर वाला, एंडो यानी कि अंदर वाला. तो अब ध्यान से सुनना क्या, अब आप सोच रहे होंगे क्या बाहर का और क्या अंदर का. एक्सोस्केलेटल जो होता है ना आपका, इट डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से डेवलप होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेयर्स जो होते हैं आपके, नेल्स, फैदर्स, हूफ्स और हॉर्न्स, ये सब जो है ये एक्सोस्केलेटल के अंदर आते हैं. ठीक है, आपका जो एक्सोस्केलेटल जो है, इट इज ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन का भी होता है, नॉन लिविंग होता है. मीजोडर्मल ऑरिजिन का एक्सोस्केलेटल जो है, इसके एग्जांपल याद रखिएगा, ये किन में देखने को मिलता है, तो फिशेस के जो स्केल्स होते हैं, स्केल्स ऑफ फिशेस के अंदर, आपके क्रोकोडाइल के अंदर और आपके टर्टल्स के अंदर, इनके अंदर मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटल देखने को मिलता है. समझ में आया? तीन पॉइंट जो एक्सोस्केलेटल के बारे में ध्यान रखना है. सबसे पहला पॉइंट एक्सोस्केलेटल के बारे में ये कि आपका जो एक्सोस्केलेटल है, इट डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस. एक्सोस्केलेटल आपका किससे डेवलप होता है? एपिडर्मिस से डेवलप होता है. ठीक है, इसके एग्जांपल बता दिए, फॉर एग्जांपल हेयर्स हैं, नेल्स हैं, क्लॉज हैं यानी कि पंजे जो होते हैं, ठीक है, हूफ्स हैं, फैदर हैं, ये एग्जांपल हैं आपके एक्सोस्केलेटल एपिडर्मिस ऑरिजिन में. ठीक है, फिर मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट ये बताया कि आपका जो एक्सोस्केलेटल है इसका ऑरिजिन कैसा है, इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन. ठीक है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है एंड इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन. लेकिन आपका मीजोडर्मल ऑरिजिन का एक्सोस्केलेटल किसके अंदर देखने को मिलेगा? स्केल्स ऑफ फिशेस, क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स, इनके अंदर आपको मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटल देखने को मिलता है. क्लियर?
आया इतना समझ में? एंडोस्केलेटल की बात करें, नाम से ही पता है, एंडो यानी कि इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. एंडोस्केलेटल जो है आपका, ये मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है एंड इट इज लिविंग, ठीक है, मीजोडर्मल ऑरिजिन का है और ये होता है आपका लिविंग इन नेचर, क्लियर. इसका जो फ्रेमवर्क है, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ये तो सबको क्लियर ही होगा. आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द टू फॉर्म्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, दैट इज द एक्सोस्केलेटल एंड द एंडोस्केलेटल, ठीक है. ये एपिडर्मिस से डेवलप होता है, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, स्केल्स ऑफ फिशेस, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स, इसमें मीजोडर्मल ऑरिजिन का है. एंडोस्केलेटल की बात करें, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, फ्रेमवर्क बोन और कार्टिलेजेस से मिलके बनेगा, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ये नॉन लिविंग था, ये लिविंग है, ठीक है. ये दो फॉर्म समझ में आए आपको स्केलेटल सिस्टम के, पहले इतना लिख लो. लिखो एक्सोस्केलेटल के बारे में जो तीन की पॉइंट थे, क्या था? सबसे पहला पॉइंट, इट डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से डेवलप होता है, ठीक है. एक्सोस्केलेटल जो है आपका, इट डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस. फिर मैंने आपको बताया था, इट इज एक्सोस्केलेटल कैसा है, इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन. इसके एग्जांपल्स नोट कर लीजिए. हेयर्स, नेल्स, क्लॉज, हूफ्स, एंड फैदर, ठीक है. फिर एक क्या पॉइंट बताया मैंने कि ये तो एक्टोडर्मल ऑरिजिन का है, मीजोडर्मल ऑरिजिन का क्या होता है? इट इज मीजोडर्मल. मीजोडर्मल किसके अंदर होता है? इन स्केल्स ऑफ फिशेस, क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स. इसके साथ ये और लिख लो, इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन एंड नॉन लिविंग. ठीक है, तभी तो आप बाल काटते हो, नाखून काटते हो, आपको दर्द नहीं होता ना, दैट इज इट इज नॉन लिविंग इन नेचर, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन एंड नॉन लिविंग. पर मीजोडर्मल किस में होता है? एक्सोस्केलेटल, इनके अंदर, ये ध्यान रख लेना. स्केल्स ऑफ फिशेस, क्रोकोडाइल और टर्टल, इनके अंदर, लेकिन आपका एक्सोस्केलेटल जो है ये मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है. ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा फॉर्म था आपका, दूसरा मेन फॉर्म था आपका इसके अंदर एंडोस्केलेटल. पहला पॉइंट तो इसके बारे में, ये एंडो यानी कि इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. लिखो, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. एंडोस्केलेटल का आपका जो फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, इसका जो फ्रेमवर्क है, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस. सबको क्लियर है ये चीज तो? इट्स फ्रेमवर्क, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस. ठीक है, बोन्स और कार्टिलेजेस से मिलके इसका फ्रेमवर्क जो है एंडोस्केलेटल का, ये बनता है. फिर मैंने आपको बताया था, ये इसका ऑरिजिन, इट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन एंड इट इज लिविंग. लिख लो, इट इज
एंड इट इज क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है। उसके बाद अब अपन ह्यूमन स्केलेटल स्टार्ट करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब देखो ह्यूमन स्केलेटल की बात करें तो ये सबको पता है, स्केलेटल सिस्टम जो है आपका, ये जो सिस्टम है जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसके अंदर हेल्प करता है, ठीक है। मेन चीज ये है, ह्यूमन स्केलेटल जो है ना ये दो उसके अंदर डिवाइडेड है, एक है आपका एक्सियल स्केलेटल और एक है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है। पूरा जो आपका स्केलेटल सिस्टम है ये दो उसके अंदर डिवाइडेड है स्केलेटल सिस्टम, एक तो होता है एक्सियल स्केलेटल, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल यहां से पूरा यहां कमर तक का जो पूरा सेक्शन होता है, ये कैसे क्या है अभी अपन किस में क्या क्या इंक्लूड होता है सब डिस्कस करेंगे, एक एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में तो नहीं, मतलब अगर वैसे देखा जाए तो डिटेल में तो आप फर्स्ट ईयर में ही चैप्टर आता है एनाटॉमी, उसके अंदर पढ़ोगे आप ये सब। अब भी मतलब पीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग तो लगा लो ह्यूमन स्केलेटल, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटल मैंने बताया, सबसे पहले तो ये आपको पता है स्केलेटल जो है इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, और ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन, मतलब लोकोमोशन जो होते हैं बॉडी के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। ये मैं लिखवा नहीं रही, आप खुद लिख लेना, ठीक है। यहां से बताती हूँ आपको, जो स्केलेटल सिस्टम है दो टाइप का है, एक तो इसमें अपन पढ़ते हैं, यहां तक आप लोग खुद नोट आउट कर लेना। एक तो है आपका एक्सियल स्केलेटल, और दूसरा फॉर्म है इसके अंदर आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल। ठीक है, ये सबको पता है कि मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इनका पूरा अपन वो पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन किसमें क्या कितनी है, पूरा 206 कैसे है ये पढ़ेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले तो अब पहले सुनते जाना उसके बाद लिखेंगे, पहले तो सबसे पहले ये चीज सबको अब क्लियर होनी चाहिए कि ह्यूमन स्केलेटल जो है दो उससे मिलके बना है, दैट इज द एक्सियल स्केलेटल एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल जो होता है ना आपका, इट लाई अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, तो आपकी स्कल, ठीक है, स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स है और स्टर्नम है। ये तो है आपका एक्सियल स्केलेटल, यानी कि यहां से पूरा यहां तक का सेक्शन हो गया, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर, रिब्स है, स्टर्नम है, वर्टिब्रल कॉलम और स्कल। तो यहां से लेकर पूरा यहां तक का सेक्शन हो गया एक्सियल स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर लिम्फ्स और गर्डल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे आपका एक्सियल स्केलेटल इट लाई अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, इसके अंदर क्या क्या है आपके, इसके अंदर एक तो है स्कल, इट इंक्लूड स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। ये तो है एक्सियल स्केलेटल में। अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर क्या आता है आपके, लिम्स एंड गर्डल्स, ठीक है। यह मतलब यहां से यहां तक का पूरा सेक्शन तो एक्सियल स्केलेटल, और उसके नीचे वाला हो गया आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया 206 बोन्स प्रेजेंट होती है ना ह्यूमन बींग्स के अंदर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो आपका एक्सियल स्केलेटल है, यानी कि स्कल प्लस दिस वर्टिब्रल कॉलम प्लस दिस रिब्स प्लस दिस स्टर्नम, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर इसके एक्सियल स्केलेटल के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, तो 80 बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके साथ साथ रैबिट का भी पढ़ते हैं अपन। एक ह्यूमन बींग्स के अंदर तो 80 बोन्स प्रेजेंट होती है, रैबिट के अंदर इसके एक्सियल स्केलेटल में 132 बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करें अगर अपन,
तो ह्यूमन के अंदर तो अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर 206 है ना टोटल, ये तो सबको याद ही है 206 बोन होती है, तो 80 है तो पीछे 126, तो 126 बोन्स प्रेजेंट होती है अपेंडिकुलर स्केलेटल में ह्यूमन बींग्स के अंदर। वहीं पर रैबिट का और याद रख लेना, रैबिट के अंदर होती है 128 बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे हो गई ये 80 प्लस 126 206 और 128 प्लस 132 कितनी होती है, इसको ऐड कर लेना, इतनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं आपके रैबिट।